आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा कि इस वीडियो के अंदर कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। बिकॉज़ यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। FPX जैज़ वर्सेस एरोमा जीनियस का आज मैं फुल कंपैरिजन रिव्यू करूंगा। ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने काफ़ी पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो वो हिसाब से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। जैज़ का मैंने फुल रिव्यू कर रखा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, बहुत दूर आपको मिलेगा, तो वो मेरे को फाइंड आउट करके उसका डिस्क्रिप्शन में मुझे डालना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों की साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और बैटरी के बारे में। बेसिकली मैं बैटरी के मामले में यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बैटरी के मामले में क्लियर कट विनर एरोमा जीनियस निकलता है। मुझे पता है कि आपने बैटरी के हावर्स अब आप देख के आए होंगे। अब आपका सवाल ये है कि भाई दोनों में से जो बैटरी हावर्स दिखा, क्या उतना वो चलता है? तो बेसिकली बैटरी यस डेफिनेटली वो चलता है। अगर नहीं चलता है तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंपनी ही पूरा डिफेक्टिव। बहुत सारे लोग इस तरह से नेगेटिविटी फैलाने चालू करते हैं कि कंपनी पूरा नेगेटिव डिफेक्टिव वगैरह है। तो आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है 7 डेज रिप्लेसमेंट का। आप उसे हमेशा प्रोडक्ट को सबसे पहला चेक करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्यों ना हो। यहाँ पर साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी के अंदर दोनों लगभग लगभग सेम है। एरोमा का और ये FPX दोनों सेम है। बैटरी के मामले में निकल जाता है एरोमा आगे। प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि साउंड क्वालिटी में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कॉल क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एरोमा जीनियस की बात करो, साउंड क्वालिटी स्टीरियो साउंडिंग है, लेकिन जो साउंडिंग होगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे एक अच्छा बेस म्यूज़िक के लिए चाहिए, तो आप फिर एरोमा जीनियस ना लीजिए। क्योंकि अगर आप मुझे पूछोगे कि साउंड क्वालिटी के अंदर कोई मुझे बढ़िया बताओ, म्यूज़िक मुझे सुनना है, मुझे शौक रहता है, तो बढ़िया वाला बताओ, कोई एकदम ही तगड़ा वाला, तो भाई मेरे नज़र में ऐसा अभी तक कोई आया नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ कि भाई ये एकदम ही तगड़ा वाला एयरफोन है म्यूज़िक्स के लिए। अदरवाइज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्वालिटी, लेकिन बहुत लोग का जो एक्सपेक्टेशन बेस से ज़्यादा होता है, तो मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि बेस के अंदर थोड़ा बहुत कमियाँ होती है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बोलूँगा, अगर इन दोनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हो तो एरोमा जीनियस की तरफ जाओ, बिकॉज उसकी जो बैटरी थोड़ा ज़्यादा आपको मिलता है, वेराज जो FPX जैज़ है इसमें थोड़ा आपको कम मिलने वाला। तो यहाँ पर वीडियो का मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, दोनों में से जो भी लेना है। तो एरोमा जीनियस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, फुल रिव्यू मैंने कर चुका हूँ, तो इसकी जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, कॉलिंग भी ठीक ठाक है, 600 रुपये के अंदर ये आता है। जो जैज़ है थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस है, बिकॉज इसमें जो बैटरी है वो काफ़ी कम है। जैज़ की क्वालिटी भी काफ़ी सही है और कॉलिंग भी सही है, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज में आपको एरोमा जीनियस में आपको आपके लिए मतलब रेकमेंड करता हूँ। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहीं से मैं चाहूँगा आप परचेस करें।